फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे उजाला बुटीक चैनल में हार्दिक स्वागत है। गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके लिए एक कैंची में धार लगाने वाली एक मशीन तैयार की है, जो कि आप घर पर इजीली बना सकते हैं और अपनी और अपने पड़ोसी या किसी की भी कैंची को आप शार्प कर सकते हैं और कैंची ब्लेड की तरह एकदम तेज धार की तरह चलेगी। गाइस, हमने इसमें कैंची में धार लगाई है, देख सकते हैं गाइस, और ये हमारी बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है, देख सकते हैं गाइस। और लेकिन अभी एक और कैंची मेरे पास आई है, वो थोड़ी अच्छी नहीं है, वो थोड़ी गड़बड़ कर रही है गाइस, देख सकते हैं गाइस। इस तरीके से काटें तो अच्छे से काम नहीं कर रही है, बहुत ही प्रॉब्लम दे रही है गाइस। दो तीन बार चार बार चलाने पे तब करती है, वैसे नहीं करती है। तो गाइस, हम आपको बताएंगे कि कैंची में धार कैसे लगाएं। गाइस, हमने मशीन कैसे तैयार की है वो भी हम लास्ट में आपको बताएंगे। इसके लिए हमें एक टेप की आवश्यकता पड़ेगी, इस तरीके का टेप है, ये डबल टेप होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ चिपक जाता है। तो गाइस, चलिए हम दिखाते हैं हमने जो सिस्टम तैयार किया है वो क्या सिस्टम है। गाइस, ये देख सकते हैं गाइस, ये हमारे पास ये सिस्टम है, देख सकते हैं, ये हमारी मशीन है। मशीन इजीली सभी के पास होती है, आपके घर पे भी मशीन होगी, हर जगह होगी। तो गाइस, हमने सिस्टम तैयार किया है, इस सिस्टम की मदद से हम आप गाइस मार्केट में जैसे हम धार लगवाने जाते हैं 40 से 50 रुपए देते हैं, वही सेम धार आप यहाँ पर लगा सकते हैं। हमारी इस मशीन के माध्यम से आप धार भी लगा सकते हैं, उसके बाद सिलाई तो हम करते ही हैं ऑलरेडी। तो गाइस, बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें, हम आपको कैंची में धार लगा के दिखाएंगे। गाइस, इसमें कैंची में धार लगेगी और कैंची एकदम भनावन और अच्छे से चलने लगेगी। बस वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना है, फिर हम आपको बताएंगे कैसे कैसे हमने सिस्टम तैयार किया, क्या क्या चीज़ यूज की हमने। बस 5 से 10 रुपए का खर्चा है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं आपको खपाना पड़ेगा और घर पर आप इजीली इसे बना सकते हैं। अगर आपके पास बत्ती वाली मशीन है तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो और ही अच्छे से ये वर्क करेगी, क्योंकि जिसपे हमें चलाने पर मेहनत पड़ती है, यानी कि हम पाए से चलाएंगे पैरों से तब ये चलेगी, और जब आपके पास लाइट वाली होगी तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही अच्छे से आप इसे चला सकते हैं। तो गाइस, चलिए हम शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैंची में धार कैसे लगाएं। तो गाइस, देख सकते हैं हमारी मशीन चलने लगी है, इसी तरीके से मशीन चलती है और ये अच्छे से वर्क करेगी और अच्छे से काम करेगी। कोई भी चीज़ आप इस पर किसी पर भी आप धार लगा सकते हैं, चाहे आप चाकू पे लगाएं अथवा कैंची पे लगाएं, किसी भी चीज़ पे धार लगा सकते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं किस तरीके से लगानी है, ध्यान रखें, हमें इस तरीके से रख के नहीं लगानी है, हमेशा ध्यान रखें। जैसे कि मार्केट में जब हम धार लगाने जाते हैं तो कुछ इस तरीके से लगाई जाती है धार, इस तरीके से ऐसे करके। तो गाइस, इसी तरीके से हमें धार लगानी है, यहाँ पे पकड़ लेना है, इस तरीके से धार को लगाना है। गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। गाइस, बराबर आपको धार लगानी है, बिल्कुल इधर उधर ज़्यादा दबाना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप रख के धार को लगाएं। गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और ये हमारी मशीन कैंची में धार लगाने लगी है, देख सकते हैं गाइस, कैंची में इजीली धार लग गई है। अब हम ऐसे ही इस साइड भी लगाएंगे धार और हमारी कैंची एकदम अच्छे से वर्क करने लगेगी। बस वीडियो को लास्ट तक आपको वॉच करना है। उम्मीद है कि आपको आवाज़ भी इसकी समझ में आ रही होगी। गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। गाइस, इसी तरीके से मार्केट में भी धार लगाई जाती है और हमारे 40 से 50 रुपए खर्च हो जाते हैं, देख सकते हैं गाइस कितने अच्छे से धार इसमें लग गई है। अब देखो, यहाँ पर गंदगी है तो यहाँ पर भी हम आपको सही से साफ करके दिखाएंगे, आपको ये लगे कि हाँ, हम बिल्कुल रियल बनाते हैं जो भी वीडियो बनाते हैं। काफ़ी पैनी धार हो गई है इसकी। गाइस, यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको कैसे ये साफ होती है। गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर भी ये साफ हो गई है। तो गाइस, चलिए अब हम इसे ट्रायल इसका मारते हैं और चलाकर आपको दिखाएंगे कि कैसे ये चलेगी। गाइस, आप हमारी मशीन को देख चुके होंगे, तो इसमें हमने क्या चीज़ लगाई, इसमें हमने रेगमाल की छोटी पत्ती काटी, आपको रेगमाल भी दिखाते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं ये हमारे पास रेगमाल है और इसकी पतली पतली पट्टी हमने लंबी लंबी काट ली है, 220 नंबर का ये है। इससे भी अगर
पत महीन लेके आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इससे भी महीन आता है, वो 220 से ऊपर नंबर का होता है। तो गाइस चलिए हम कैंची को ट्रायल करके दिखाते हैं। तो गाइस इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से ऑयल ज़रूर लगा लेना है, क्योंकि धार लगाने के बाद ऑयल ज़रूर लगाते हैं हम, क्या सभी लगाते हैं मशीन वाले, जो भी जहाँ भी आप रखाने जाएंगे वहाँ ऑयल ज़रूर लगाया जाएगा। ऑयल लगाने से हमारी कैंची जंग नहीं पकड़ती है और अच्छे से वर्क करने लगती। गाइस धार बहुत ही तीखी हो गई है, इसलिए ध्यान रखें अच्छे से ऑयल लगाएं, लेकिन उंगली ना इसके ऊपर फिराएं, नहीं तो फिर उंगली जा सकती है। तो गाइस चलिए हम चेक करके दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं गाइस कैंची एकदम मेरी बनाबन हो गई है, देख सकते हैं इस तरीके से कैंची में धार लग गई है। गाइस उसके बाद हमें थोड़ा काम और कर लेना है, इस तरीके से हमें इस पर थोड़ा फिरा लेना है ताकि और भी अच्छी और तीखी धार हो जाती है। गाइस देख सकते हैं हमारी कैंची एकदम मस्त हो गई है और अच्छे से वर्क करने लगी है। तो उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ एक से एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।